हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं रोज़ की तरह टिप और एंट्री आपसे बिल्कुल कुछ ऐसे लेके आ चुकी हूँ कि आपका तो काम आसान होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाला है। चलिए दोस्तों, टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। पहला है टिप मेरा इस तरीके से चाकू और कैंची को लेके है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम कभी लंबे सफ़र में जाते हैं तो चाकू कैंची साथ में ले जाना हम सभी को ज़रूरी रहता है। अगर ले भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि बैग में इस तरीके से डाल देते हैं, हाथ वाथ कटने का डर रहता है। तो आपको करना क्या है कि बैलून ले लेना है, बैलून को इस तरीके से चाकू के ऊपर कैंची के ऊपर आपको लगा के कवर कर लेना है। इस तरीके से कवर कर लेंगे तो आप देखेंगे ना कि इससे जो हाथ वाथ कटने का डर है बिल्कुल भी नहीं कटेगा। और आपका ये जो बैग भी है, कभी ऐसा होता है ना कि हम चाकू रख देते हैं उसमें और कैंची भी रख देते हैं तो हमारा बैग भी ख़राब हो जाता है। तो इससे आपका तो बैग सेफ्टी रहेगा ही रहेगा। जब भी हम कभी कोई सामान लेने के लिए हाथ बैग के अंदर डालते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे हाथों पर भी चोट लगी जाता है और हाथ भी कटने का डर रहता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है, जब भी आप लंबे सफ़र में जाते हैं तो इसके ऊपर इस तरीके से दोनों के ऊपर बैलून लगाने के बाद अब आप इसमें चाहे रबड़ भी लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक था, आप सभी को ज़रूर पसंद आया। तो चलिए दोस्तों, अगला हैक टिप भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्याज खाना किसको नहीं पसंद है। प्याज खाना हम सभी को पसंद है। जब भी हम प्याज को छीलते हैं तो आपने देखा होगा कि ऊपर वाला जो लेयर होता है तो एक लेयर हम तो निकालते ही निकालते हैं, जब भी जो प्याज का लेयर होता है अच्छी तरीके से क्लीन हो पाता है। तो दोस्तों, जब भी हमें कभी प्याज काटना भी होता है बारीक क्वांटिटी में तो आपने देखा होगा कि प्याज तो काटना हम सभी के लिए एक सिरदर्दी है। हर कोई प्याज नहीं काट पाता है। एक प्याज काटते काटते आँखों में लगने लगता है और बिल्कुल भी प्याज पतले आकार में नहीं काट पाते। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, जब भी आपके साथ कभी ऐसा है कि छोटा सा इस तरीके से बारीक प्याज काटना है तो आपको क्या करना है, पीलर ले लेना है। पीलर के हेल्प से अब आप देख पा रहे होंगे कि इसको बहुत इजीली तरीके से आप, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे कि पीलर के हेल्प से बहुत इजी तरीके से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। बस इसको इसी तरीके से करना है। अब आप देखेंगे मिनटों में, घंटों में कितने सारे प्याज, अब आप देख के ही आइडिया पता चल रहा होगा कि कितने सारे प्याज को आप काट सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप प्याज अगर काटना चाहे पतले आकार में, स्लाइस कट में, तो बहुत जल्दी तरीके से ये प्याज जो है आपका ये कट के रेडी हो जाता है। तो दोस्तों, जब कभी मुझे इस तरीके से स्लाइस कट पतला प्याज काटना पड़ता है ना, तो मैं यही ट्रिक आजमाती हूँ और इसी ट्रिक से मैं अपने काम को बहुत जल्दी तरीके से आसान भी कर लेती हूँ। अब आप देखिए, अब मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी आप प्याज काटते हैं आँखों में लगता है तो आप कहीं खुली जगह में हवा में काटना, क्योंकि हवा में काटने से प्याज अब आप देखेंगे कि बिल्कुल भी आँखों में नहीं लगता है। और दूसरा ट्रिक दोस्तों इस तरीके की है कि ये देखिए, आप ग्रेटर से भी इस तरीके से जो स्लाइस वाला पार्ट है इससे भी काट सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि ये जो आपका प्याज है, देखिए कटेगा वैसे ही लेकिन ये हल्का सा मोटा है उससे और वो पतला है। तो देखिए, इतना प्याज मैंने एक प्याज काट के बहुत इजीली तरीके से मैंने दिखा भी दिया कि प्याज काटना बहुत ही आसान हुआ है ग्रेटर और पिलर के हेल्प से। तो दोस्तों, इस ट्रिक को आप इजीली तरीके से इसको ट्राई कर सकते हैं। अब कोई मेहनत नहीं है, कोई खर्च नहीं है। अब देखिए, मैंने नेट ले लिया है। इस तरीके का नेट हम सभी के घर में आते हैं। कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन सामान भी मंगवाते हैं तब भी आ जाता है, या कोई चीज़ भी ले आते हैं तब भी उसी के साथ आ जाता है, लेकिन इस तरीके का नेट हम इस्तेमाल तो करते नहीं हैं, फेंक देते हैं। अब देखिए, ये जो नेट होता है इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो इसमें अब देखिए, इसमें एक किलो तो प्याज आना ही आना है। इस तरीके से प्याज एक किलो रख दीजिए। और अब दोस्तों, हम जब कभी मूल का इस तरीके से प्याज हो गया, आलू हो गया या लहसुन हो गया हम ख़रीदते हैं, तो अगर इसमें से ख़राब हो जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। अब देखिए, प्याज लहसुन आलू तो हमें ख़रीद के ही खाना है, लेकिन इसको हम खुली जगह में रखें तो ज़्यादा बेटर है। खुली जगह में यानी कि नेट वाले इसमें आप रखेंगे तो आपका आलू नहीं ख़राब होगा, प्याज नहीं ख़राब होगा, यहाँ तक कि लहसुन भी नहीं ख़राब होगा। बस इसको मैं पकड़ते हुए इसमें एक मैं सेफ्टी पिन लगा के, अब ये देखिए, सेफ्टी पिन लगाने की एक फ़ायदा ये है कि इसी में हमारा हैंग भी बन चुका है। अब इसको कहीं भी, जहाँ भी आपको सही लगे उसके खुली जगह में आप इसको हैंग कर सकते हैं। यहाँ की लहसुन भी अब देखिए, हमारा बहुत ही अच्छा लहसुन मैंने फोड़ के डाला हुआ है,
कि जब भी मुझे निकालना पड़े तो ये जो नेट है इसको खोलना नहीं पड़े। अब नेट के अंदर ही से इसका जो छेद है, अब आप देख पा रहे होंगे, नेट के अंदर ही से जो भी एक दो लहसुन का ज़रूरत पड़े हम इस तरीके से निकाल लेंगे और इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसको कहीं भी, ये जो पिन मैंने लगाया हुआ है सेफ्टी पिन, ये हमारे हैंग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इस पिन को आप एक बार ज़रूर भी इस तरीके से नेट में लगा के जब इसको हैंग करेंगे ना, तो आपको खुद ही काफ़ी अच्छा लगेगा और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है दोस्तों। इस तरीके से आपका लहसुन नहीं ख़राब होगा, प्याज नहीं ख़राब होगा, आलू नहीं ख़राब होगा, गर्मी में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब देखिए मैंने कप ले लिया है, कप है जो कप ख़राब है मैंने वही कप लिया है। तो इस कप को क्या है ना कि दोस्तों, जो कप आप इस्तेमाल नहीं करते वही कप लेना है। अब देखिए मैं कप में हार्पिक डाल दी हूँ। हार्पिक मैं, ये जो मैं अपने किचन में इस्तेमाल करती हूँ वही हार्पिक है, मैं टॉयलेट वाला नहीं ली हूँ क्योंकि अपने किचन में मैं रखती हूँ, कहीं क्लीनिंग वगैरह करने के लिए रखती हूँ, तो मैं वही हार्पिक ली हूँ। और इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ बेकिंग सोडा। अब देखिए मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है हार्पिक के अंदर। अब इसका आप रिएक्शन देख रहे पा रहे होंगे कि हार्पिक के अंदर बेकिंग सोडा डालने के बाद इसका कैसा रिएक्शन ऊपर आ रहा है। अब देखिए, अभी इसको मैं अगर चम्मच से चलाती नहीं हूँ तो ये पूरा ऊपर आके गिरने लगेगा। अब देखिए बहुत ही कमाल का ये कि हमारा होममेड रेमेडी सॉल्यूशन बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए आगे की प्रोसेस बता। अब आप हमारा टाइल्स देख पा रहे होंगे, इसमें बहुत ज़िद्दी दाग है, ये इसका जो ज़िद्दी दाग है ना बिल्कुल भी नहीं छूटता है। तो अब मैं क्लीनिंग के लिए ये इस्तेमाल करी हूँ कि ये जहाँ भी आपके टाइल्स हो गया, पत्थर हो गया, जहाँ पर ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग है वो छूटता नहीं है। तो इस सॉल्यूशन को आप बहुत इजली तरीके से इसको ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए ज़िद्दी दाग है, तो इस तरीके से इसको लगाने के बाद आपको इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देना है, क्योंकि मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला हुआ है तो वो भी क्लीनिंग के लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद है। अब ये हैंड टू हैंड नहीं छूटने वाला है। अब इस तरीके से लगाने के बाद मैं इसको 5 से 10 मिनट छोड़ दूँगी। 5 से 10 मिनट बाद जितना भी ये ज़िद्दी दाग पड़ा हुआ है ना, बहुत इजली तरीके से ये छूट जाता है। और दोस्तों आपने देखा होगा कोने कोने और दीवार के किनारे किनारे नीचे जहाँ हमारा पत्थर लगा रहता है टाइल्स, अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे किनारे हम कितनी भी सफाई करें तो कोने कोने हमारा हाथ पहुँचता भी है लेकिन अच्छी तरीके से साफ़ नहीं होता है। तो इस सॉल्यूशन से आप अपने घर में कोने कोने और दीवार के किनारे किनारे आपने देखा होगा ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग को आप बहुत इजली तरीके से इसको साफ कर सकते हैं। अब देखिए 10 मिनट बाद मैं इसको अच्छी तरीके से ख़राब ब्रश की हेल्प से इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। तो अब आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी क्लीनिंग हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने काम को बहुत इजीली तरीके से आसान बना सकते हैं। अब क्लीनिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बाथरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, जहाँ भी ज़िद्दी दाग है इस तरीके से अपने काम को आसान कर सकते हैं। अब देखिए, अब सूखे कपड़े से मैं आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ कि जितना भी इसमें ज़िद्दी दाग बैठा हुआ था काफ़ी दिन से, तो मैंने इस ट्रिक को पहले आजमाया है, जब भी आपने बताया है तो देखिए काफ़ी अच्छा क्लीनिंग होता है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरे तरीके से। आई होप दोस्तों कि आज के छोटे छोटे ट्रिक आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।